ज्यादा सुंदर भी लग रहा है ना देखने में, जैसे अंगूर के जैसा। सबने बताया कि आज माँ का दिन है, अब कौन बताएगा कि वो कौन सा दिन है जो माँ के बिना है। इसकी मैचिंग का मुझे दुपट्टा लेना है। ये जो किनारे किनारे मलाई आप देख रहे हैं ना, इसी से बनती है परत वाली रबड़ी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। जी हाँ, आज है मदर्स डे, तो मतलब कुछ कहना तो है ना कि कितना ज़्यादा स्पेशल डे है। तो वैसे तो हम कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं दिल से करते हैं, और वही सबसे अच्छा होता है कि आप जो भी करें दिल से करें, प्यार से करें। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम केक कटिंग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मम्मी केक नहीं खाती हैं और हमी को खाना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात ये भी, अभी नहीं आए हैं तो मैंने सोचा कि क्या करते हैं। तो मम्मी को वैसे मीठा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मीठा में कुछ बनाया जाए। एंड वो क्या है वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मम्मी के लिए जो बना रही हूँ ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उनका फेवरेट मिठाई है आप बोल सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए क्या बना रही हूँ। तो ये है उनके लिए रबड़ी। मैंने कल से ही सोचा था कि मैं उनके लिए मीठा में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर मुझे ध्यान आया कि चलो क्यों ना रबड़ी ही बना लेते हैं, उन्हें रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे तो ये मैं 20 मिनट से पका रही हूँ और इसको थोड़ा भी टाइम लगेगा। एंड आप देख सकते हैं कि मैं ना ऐसे परत वाली रबड़ी बना रही हूँ, परत वाली रबड़ी बनाती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हाँ, मैंने तो आपको एक चीज़ दिखाया ही नहीं, ये देखिए। कल मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाने का मन कर रहा था, तो मैंने रात में मेहंदी लगा ली। कई दिन से मेहंदी लगाने का मन कर रहा था, एक्चुअली फ्रिज में रखा था, नवरात्र की मेहंदी रखी थी 2 कोन। तो मैं अक्सर उसको सोचती थी कि अभी लगाऊं, लेकिन मौका नहीं मिल पाता था। और कल रात में ना हमारे यहाँ लाइट काफ़ी देर से, मतलब 4-5 घंटे से कटी हुई थी, और घर में कोई था भी नहीं, तो हम लोग खाना पीना खा के जल्दी फुर्सत पा गए, तो मैंने बैठे बैठे अपनी मेहंदी लगा डाली और अच्छा कलर आया है। अभी और डार्क होगा वैसे फिलहाल, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं इसमें भी लगा लूँगी, पहले अपना काम ख़त्म कर लेते, मम्मी को नाश्ता देने के बाद लगाएंगे। एंड वीडियो में आप बने रहिएगा। दवा जब असर ना करे तो वो नज़र उतारती है, वो माँ है जनाब, हार कहाँ मानती है। सच है, माँ की बराबरी हम किसी से नहीं कर सकते हैं, जो हमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करके हमें प्यार करती है। फ्रेंड, मैंने किचन में रबड़ी तो रख दिया था धीमी आंच पे पकने के लिए, और इधर मैं एक तरफ में खिड़की दरवाजे साफ़ कर रही थी, क्योंकि कई दिन से मैंने ना ऐसे झाड़ना पोछना नहीं किया और घर काफ़ी गंदा हो रखा है और जाले भी बहुत लग गए हैं। तो फिलहाल मैं तो नहा चुकी, तो इस वजह से जाले नहीं साफ़ किए, नहाने से पहले जाले किसी दिन साफ़ कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि अगर डेली ये झाड़ना पोछना वाला काम कर लो ना, तो मतलब उतना दिक्कत नहीं होता है, मतलब ज़्यादा काम वाला प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक हफ्ता घर छोड़ दो, साफ़ सफाई ना करो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ भी देखो ऐसा लगता है कि बस सारा घर गंदा ही हो रखा है। मुझे तो पूरे घर में बड़े बड़े जाले ही नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि साफ़ कर देते हैं, लेकिन मैं नहा चुकी, फिर मैंने कहा कि अभी मुझे छींक भी आने लगती है, बाल भी गंदे हो जाएंगे, तो हो सका तो मैं कल नहाने से पहले। फ्रेंड, जब मैं रबड़ी बना रही थी तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपनी मम्मी को भी खिलाऊं। अगर ये होते तो मैं इनसे भिजवा देती, फिलहाल ये तो है ही नहीं, तो ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कि मैं अपनी मम्मी को भी अपने हाथ की बनी रबड़ी खिला पाऊं मदर्स डे पे। तो देखते हैं फिलहाल। फ्रेंड, आपको पता है वो जो कूलर होता है उसके बारे में आप जानते हैं, मतलब उसकी सब्जी बनती है। तो बाबू कल लेके आए और यहाँ पे उसकी सब्जी सब लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैंने कल नहीं बनाया, क्योंकि ना पापा थे ना ये थे, हम ही 3 लोग हैं। तो मैंने कहा कि जब सभी लोग आ जाएंगे तब मैं बनाऊंगी। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि गूलर क्या होता है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो में आप बने रहिए। तो भाई, ये है हमारा गूलर, और ये अभी बहुत छोटा छोटा है। बताते हैं कि जब ये छोटा छोटा होता है ना, तभी इसकी सब्जी खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। एंड सच माने बहुत ही ज़्यादा इसकी टेस्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। एंड अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में तो नहीं, इसके आगे जो वीडियो आएगा ना, उसमें आपको इसकी रेसिपी देखने को मिल जाएगी। एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है ना देखने में, जैसे अंगूर के जैसा। तो फ्रेंड, जब तक मेरी रबड़ी बन रही है, मैंने उसको धीमी आंच पे रख दिया, पक रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा और दूसरा काम कर लूँ, क्योंकि एक कुर्ती है ना,
वो मुझे टाइट कराने के लिए देना है, और उसको मैंने अभी पहन के चेक नहीं किया है कि मुझे कितना ज़्यादा टाइट कराना है। तो ये सारे काम मुझे कंप्लीट करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब बिखरा हुआ है। एंड मैं जब सीढ़ी चढ़ती हूँ ना, हाँफने लगती हूँ बहुत ज़्यादा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया कि क्या हो गया पता नहीं, किसी वजह से मैं हाँफने लगती हूँ, वो अभी नहीं पता है। एंड मैं फूल तोड़ने के लिए भी आई हूँ, क्योंकि मुझे मोगरा वाला फूल चाहिए। मैं रबड़ी में उसको एज अ एसेंस यूज़ करने वाली हूँ। जब मेरी रबड़ी पूरी तैयार हो जाएगी ना, तब मैं वो फूल उसमें ऐसे रख के उसको ढक दूँगी, मतलब गैस बंद करने के बाद। तो आर्टिफिशियल एसेंस ना यूज़ करते हुए मैं नेचुरल वाला यूज़ करूँगी। मैं जल्दी से फूल भी ले लूँ, और धूप तो बहुत तेज़ है। मैं पहले अपना कुर्ती वाला काम कर लेती हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी कुर्ती। तो ये है मेरी कुर्ती, ये मुझे टाइट कराने के लिए देना है, और साथ ही साथ ये इसकी मैचिंग का मुझे दुपट्टा लेना है। तो ये सारा चीज़ मैं सोच रही कि एक अलग से बैग में करके रख लूँ, तो जल्दी से ऐसे झोला उठाऊँगी और निकल लूँगी। तो ये सारे मेरे काम हैं। चलिए फूल तोड़ लेते हैं। देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा तेज है, और मैं चप्पल नहीं पहनी हूँ, सोच रही पहन लूँ। तो मैं चप्पल पहन लेती हूँ, एंड आप वीडियो में बने रहिए। एंड इसमें का कुछ ताज़ा फूल ना हम लोग सुबह तोड़ के भगवान जी को चढ़ा दिए, ताज़ा वाला ही मैं लूँगी, क्योंकि जो ताज़ा रहते ना उसकी खुशबू ही अलग होती है। ये वाला ताज़ा लग रहा है मुझे, तो ये वाला ही, इतना फूल मैंने ले लिया, इतना इनफ है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने रबड़ी में जो है चीनी ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं जो किनारे किनारे मलाई आप देख रहे हैं ना, इसी से बनती है परत वाली रबड़ी, मतलब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा और सूखने दूंगी, मतलब थोड़ा सा और अभी और इसे गाढ़ा करेंगे, उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। एंड प्लीज़ फ्रेंड आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, एंड जो भी मैं अपनी ब्लॉगिंग के समय रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपको कैसे लगते हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं इसको, जब ये अच्छी तरह से बन जाएगा ना, तो इसका फाइनल लुक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वीडियो में आप बने रहें। फ्रेंड मेरी रबड़ी बन चुकी है, मैंने उसे फ्रिज में रखा है ठंडा होने के लिए। मैंने सोचा तब तक मेरा कुछ काम है वो कर लेती हूँ, एंड नीचे चल के मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि उसका जो फाइनल लुक है वो कैसा है, वीडियो में आप बने रहें। फ्रेंड मैं आपको रबड़ी दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप मेरी परत वाली रबड़ी, ना ज़्यादा परत बना हुआ है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल मैंने इसमें वो मोगरा का जो फूल रखा था ना, वो मैंने निकाल दिया, फूल मैंने निकाल के देख सकते हैं कि इसमें रख दिया है, कूड़े में मैंने फेंक दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। यहाँ मैं मम्मी के लिए परोस रही हूँ, और देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। खा के बताइए कैसे बना है। देखने में अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है। मीठा देखिए कैसे है, मीठा आ गया। और मैं अभी रूम में आ गई हूँ, जा रही थोड़ा आराम करने, एंड मैं वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।